हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और सभी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को सभी को इसमें कम्प्लीट कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग अब पिछले क्लास में हम लोग अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करें, हम लोग अपने अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने इसमें 11 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 12वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आज आपका ये अभ्यास 02 है, ये आपका आज खत्म हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग अब अध्याय 3 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करें, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये 12वां क्वेश्चन है, जिसमें देखिए दिया है, यदि संख्या 3, 2, 5, *6 3 से विभाजित हो जाती है तो स्टार के स्थान पर अंक है। इसमें से आपको ये बताना है कि स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो देखिए, 3 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि अगर देखिए विभाजकता का नियम, मैं जब आपको पढ़ाया था कि विभाजकता का नियम में 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि अंकों का योग करना है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं विभाजकता का नियम, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं विभाजकता के नियम को समझाया हूँ, तो वहाँ से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग कर लीजिए। अगर वो जोड़ के अगर आप उसको अगर 3 से भाग दे देते हैं, अगर वो संख्या कट जाती है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो इस तरीके का रूल है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये दिया है हमारा नंबर 3, 2, 5 और ये स्टार बनाया है, फिर ये 6 दिया है और बोला कि ये 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। देखिए, अगर ये संख्या 3 से अगर विभाजित होगी तो इसको हम लोग देखिए 3 से क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। तो इसमें अंकों का योग कर लीजिए, 3 + 2 + 5 और देखिए स्टार की जगह पर स्टार ही रख लीजिए, तो इसको स्टार ही रख लेते हैं और प्लस का 6। अब इसको सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर 3 से अगर पूरी संख्या विभाजित हो जाती है तो हमारी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए, 3 और 2 को जोड़ेंगे, 5 और 5 10। अब 10 और 6 16, ये 16 आ गया और प्लस का ये स्टार ऐसे उतार लीजिए और उसको 3 से भाग करना है। तो देखिए, स्टार के स्थान पे आपका कौन सा अंक आएगा जो कि 3 से पूरा डिविजिबल होगा, यानी भाग पूरा चला जाएगा। तो यही हम लोग को देखना है। तो देखिए, इन 4 ऑप्शन में आपको देखिए अगर 16 दिया है तो देखिए अगर 1 रखेंगे तो 17 आएगा जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर 2 रखेंगे तो 18 आएगा। तो देखिए, 18 रखेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर 3 को रखेंगे तो 16 × 3 = 19 नहीं विभाजित होगा। अगर 4 को रखेंगे तो 20 हो जाएगा जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। तो आप देख के समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे 2 अगर हम लोग रख लेते हैं तो 16 और + 2 को रखेंगे तो 3, और इसको देखिए 16 और 2 को रखेंगे तो 18 आ गया, ये जो कि 3 से विभाजित है। तो यानी 6 बार में ये चला जा रहा है। तो स्टार के स्थान पे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 2। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। दिया है कि 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासेस में भी सॉल्व कर चुके हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आया था, देखिए 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। देखिए, 400 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं ऐसे बताना है, तो 3 या 7 से दोनों से भाग लग सके, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको भी चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, तो इसको हल करते हैं। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। देखिए, बोला है कि 400 तक वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 400 तक संख्याओं को हम लोग देखेंगे कि 3 से कितने भाग जा रहा है, कितनी भाग विभाज्य संख्याएं हैं इसमें, ठीक है, कितनी विभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको 3 से पहले हम लोग भाग करेंगे। तो देखिए, 400 तक जो संख्या है इसमें हम लोग ये चेक कर लें कि 3 से कितनी इसमें डिविजिबल है। तो देखिए, 3 से अगर इसको भाग करेंगे तो 3 × 1 = 3, 1 माइनस हो जाएगा, 1 बच जाएगा, इस 0 को हम लोग उतार लेंगे। तो देखिए, ये 10 हो गया, तो 3 × 3 = 9, ये फिर से इसको माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, फिर इस 0 को हम लोग उतार लेंगे तो 10 फिर से, तो ये 3 बार फिर से पढ़ेंगे तो ये 9, अब जाके से हमारा 1 आ गया। तो देखिए, हमारी 400 तक 133 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित है। तो 133 हमारी संख्या 3 से विभाजित हो गई, तो हमारी 400 में 133 संख्या ऐसी हैं जो 3 से विभाजित है। तो एक तो संख्या ये आ गई, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, 133 एक संख्या आ गई जो 3 से विभाजित है, ठीक है, 3 से विभाजित है। तो ये संख्या लिख लीजिए।
अब उसके बाद क्या करते हैं दूसरे स्टेप में कि जो सांस से है उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए सांस से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये लिख लीजिए 400 तक, फिर सात से इसको विभाजित करिए। तो देखिए इसको हम लोग पारा पढ़ेंगे, सात पाँच बार में पढ़ेंगे, तो सात पचे 35, तो देखिए 35 हो गया। इसको माइनस करिए तो देखिए 40 में से अगर 35 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, इसको एक जीरो उतार लीजिए, ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर ये 50 है तो इसको कितने बार हम लोग पारा पढ़ सकते हैं, सात बार में, सात सते 49, ठीक है, 49 पढ़ लिए तो ये कितना हो जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है, ये कट गया। तो देखिए हमारी जो 57 ऐसी संख्याएँ हैं जो कि 400 में सात से विभाजित है, तो 57 हमारी संख्याएं होंगी जो कि 7 से हमारी विभाजित है, तो यहां लिख लेते हैं 57। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि 3 से विभाजित संख्याएं जितनी है और 7 से विभाजित संख्याएं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग पहले। तो देखिए इसको जोड़ेंगे जब हम लोग तो कितना आएगा, देखिए 7 3 10 को 0 आ जाएगा और 5 3 8 एक 9 आ जाएगा और एक ये हो जाएगा 190। ऐसी संख्याएं हैं जो तीन या सात दोनों से विभाजित होती हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम लोग को कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो 3 या 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं होती हैं, जैसे कि अगर 21 की हम लोग बात कर लें तो 21 ऐसी संख्या है जो 3 से भी विभाजित होती है और 7 से भी विभाजित होती है। तो हम लोग को ऐसी ही संख्याएँ से विभाजित होने वाली उन संख्याओं को नहीं लेना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। तो देखिए और ऐसी देखिए अगर 21 है तो ऐसे अगर हम लोग 3 से बात करें, अगर 42 को भी देख लीजिए तो 42 क्या है, इसमें 3 से भी विभाजित हो जाती है और 7 से भी विभाजित हो जाती है। तो ऐसी जो संख्याएं होंगी उसको तो हम लोग को लेना ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग पिछले क्वेश्चन को भी ऐसा जो था हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, 3 और 7 का पहले हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 7 का यही एलसीएम निकाल लीजिए, तो 3 7 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए जब अभाज्य संख्याएं होती हैं, जब प्राइम नंबर होता है तो जो एलसीएम आता है इन दोनों का मल्टीपल आता है, तो एलसीएम जो आता है तो इन दोनों का मल्टीपल आ जाता है यानी कि गुणा आ जाता है। 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 21 आ गया। जैसे इसको सॉल्व करके भी देख लीजिए, इसको पहले 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा और ये 7 उतर जाएगा, फिर इसको 7 से ही काटेंगे तो देखिए ये उतर गया है, इसको एक बार में कट गया। तो जो हमारा एलसीएम आएगा 3 × 7 ही तो आएगा। तो जो अभाज्य संख्याएँ होती हैं उनका हमेशा एलसीएम इसका गुणा होता है, तो गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल जाता है। तो देखिए 21 जो एलसीएम आ गया, तो हम लोग को 21 यानी ऐसी संख्या हम लोग को 400 में निकालनी है जो कि ये दोनों संख्याओं से विभाजित होती हैं, उन्हीं लोग को हम लोग को माइनस कर देना है, ठीक है, उन्हीं संख्याओं को माइनस कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 400 तक संख्याओं में हम लोग 21 का हम लोग क्या करें 21 से भाग देके देख लें कि कितनी संख्याएं इसमें विभाजित होती हैं, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 21 का इसको पढ़ेंगे तो देखिए 21 दूना का करेंगे तो 42 हो जाएगा, जो कि एक बार हम लोग टेबल लेकर जाएंगे, दो बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो 21 का 21 हो गया। आप देखिए यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो देखिए यहाँ से हासिल देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 19 हो गया। फिर इस 0 को हम लोग उतार लेंगे। अब उसके बाद देखिए 21 का अगर हम लोग टेबल कितनी बार पढ़ें कि इतना आया तो इससे कम आया, तो देखिए अगर हम लोग इसको 9 बार टेबल पढ़ते हैं 21 का, तो 9 का 9 एक कम 9, 9 दुना के 18 189 आ जाएगा। तो देखिए लगभग है, तो इसको हम लोग 9 बार टेबल पढ़ लेते हैं, तो 9 बार टेबल पढ़ेंगे तो देखिए 9 बार पढ़ेंगे तो 189 आएगा, फिर इसको माइनस कर देंगे तो देखिए इसको माइनस करिए तो 10 में से ये 9 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ 8 में से 8 ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये शेष आया। जो हमारी 19 संख्याएँ कैसी हैं जो कि 21 से विभाजित है, 400 तक संख्याओं में 19 ऐसी संख्याएँ हैं जो 21 से हमारी विभाजित होती हैं, तो इन्हीं संख्या को हम लोग को माइनस करना है। तो देखिए हम संख्या निकाले थे 3 या 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या हमने निकाला है, इन दोनों में से हम लोग को वो संख्या नहीं लेना है जो दोनों से विभाजित होती है, केवल एक संख्या के। तो जो इसमें या लिखा होता है ये मेन इंपॉर्टेंट होता है कि 3 या 7 दोनों से विभाजित लग सके, ये जो दिया है भाग लग सके, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 और 7 दोनों से होने वाली संख्याओं को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे 19 इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमारा 190 आया है, तो यहाँ से देखिए 190 आया है और इसको माइनस कर देंगे 19, तो ये जो माइनस करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको आंसर निकालिए तो देखिए यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से अगर ऐसे नहीं घटा पा रहे हैं तो आप ऐसे घटा लीजिए, यही घटा लेते हैं, 190 में से माइनस करना है 19 को, ठीक है, यहाँ से घटा लीजिए। तो देखिए यहाँ से हासिल लेंगे या 10 हो जाएगा, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बचा 8 बचा, तो 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 बचेगा और 1 यहाँ पे उतर जाएगा। तो देखिए जो आपका आंसर आएगा 171 आएगा। देखिए ये दूसरा
दूसरा ऑप्शन आपका सही है, आप देख सकते हैं। तो देखिए तीन या सात दोनों से भाग लग सके वो इतनी कितनी संख्याएं हैं 171, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद चलिए हम लोग 14वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 14वां क्वेश्चन यहाँ मिटा लेते हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, देखिए दिया है 13013, संख्या 13 से विभक्त होती है, 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 14 से आरंभ होती है होती हो और 13 से विभक्त होती हो। तो देखिए इसमें कुछ आंसर बताना है, तो देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन से ही इसको कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट पढ़िए, ये तो जो दिया है विभक्त होती है, पहले देखिए पढ़िए यहाँ से, 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 14 से आरंभ होती है। तो पहले 5 अंकों की ऐसी संख्या बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, तो देखिए देखते हैं कि पहले 5 अंक की संख्या कौन कौन सी है। तो देखिए ये तो 6 अंक की है, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 6 अंक की है, हमें बोला है कि 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की संख्या ये है, देखिए एक ये है, ये है, ये है, ये 5 अंकों की संख्या है। उसके बाद देखिए एक काम बन गया कि पहला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, उसके बाद चेक करेंगे। देखिए इसमें दिया है कि जो 14 से आरंभ होती हो, तो दूसरा पॉइंट है। तो देखिए 14 से आरंभ होने के लिए देखिए इसमें भी 14 से आरंभ है, इसमें भी 14 से आरंभ है, 14 से आरंभ है। आरंभ का मतलब होता है कि स्टार्टिंग हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, यानी 14 से, ठीक है। तो ये 14 से आरंभ हो रही है तीनों, तो ये ऐसे तो काम बन नहीं रहा है। फिर उसके बाद बोला है तीसरे पॉइंट में बोला है कि और 13 से विभक्त होती हो। तो देखिए हम लोग यही मेन पॉइंट है, अगर 13 से हम लोग काट की संख्या चेक कर लें तो पहला तो ऑप्शन हमारा सही नहीं है, दूसरे को हम लोग चेक कर लें कि 13 से क्या ये विभक्त हो रही है। तो यहीं पे काट के अगर आप चेक कर लीजिए, तो देखिए इसको हम काट के दूसरे ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, 14014 यानी 14014 लिखा है, इसको 13 से विभक्त करने का यानी इसको काट के चेक कर लीजिए, अगर विभक्त हो जाती है तो ये हमारी संख्या यही हमारी सही हो जाएगी, जो कि 5 अंकों की भी है, ठीक है। तो इसको 13 से काट लीजिए, तो इसको 13 से काटेंगे तो 13 कम 13 ये कट गया, फिर इसको काटिए 13 कम 13 इसमें 1 बचा, 1 बचा तो 101 हो गया। देखिए 1 बचा तो कितना हो गया, 101 हो गया, और ये 4 ऐसे उतर आए, तो 101 हो गया। तो फिर 13 से काटेंगे तो 13 सते 91 यहीं काटते रहिए, तो 13 सते 91 इसमें फिर से कितना बचा, 91 हो गया, फिर इसमें 10 बच गया, तो अब कितना बच गया, 10 बच गया, तो 104 हो गया, फिर 13 वटे 104 ये कट गया, 178 बार में पूरा कट गया, ठीक है। तो यही संख्या जो हमारी कट जा रही है 13 से, यही देखिए 5 अंकों की संख्या भी है, 14 से आरंभ भी हो रही है और 13 से विभक्त भी हो रही है, तो यही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है, इसमें दिया है कि यही हम लोग कर लेते हैं साइड में। देखिए 15वां क्वेश्चन आपको दिया है, ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, दिया है कि 55,055 को 11 से भाग देने पे भागफल होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 55,055 ये दिया है और कह रहा है 55,055 को 11 से भाग देने पे भागफल क्या होगा। तो देखिए इसको अगर 11 से अगर भाग आप देते हैं, तो देखिए 11 से हम यहाँ भाग दे रहे हैं, 11 से, ठीक है, 11 से ऐसे भाग दे लीजिए तो कितना भागफल आएगा, यही आपसे पूछा है। तो देखिए 11 से अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में ये 55 चला जाएगा, तो 5 बार पढ़िए तो 11 55 55 ये हो गया, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो ये कट गया और ये कट गया, फिर इस जीरो को उतार लेंगे, ठीक है, इस जीरो को उतार लेंगे तो देखिए ये छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, ये जीरो बढ़ाएंगे और एक संख्या और उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हमने उतार लिए, अभी भी देखिए 0 5 है, यानी कि 5 है, तो ये 11 से छोटा है। अब क्या करेंगे, फिर 0 लगाएंगे और उसके बाद फिर एक संख्या उतारेंगे, तो इसको भी उतार लीजिए, तो इस 5 को उतार लिए। अब देखिए ये 55 हो गया, तो 55 हो गया तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 11 से फिर पहाड़ा पड़ेंगे, तो देखिए 11 फिर 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 11 5 55 ये पूरा का पूरा कट गया। तो देखिए इसको काट देंगे तो हमारा जो भागफल होगा 5,005 होगा, जो कि आपसे बस भागफल ही पूछा है, तो इसमें ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वां क्वेश्चन है, 500 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी पीछे सॉल्व कर रहे थे कि 3 और 7 से दोनों में से विभक्त हो, यानी ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपको पहले से ही पता है कि क्या करना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 500 तक की ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 3 या 13 दोनों से विभक्त होती हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 से हम लोग निकाल लेंगे कि 500 तक संख्याएं जो हैं
तीन से कितनी इसमें विभाजित होती हैं, तो तीन से इसको विभाजित हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए एक बार इसको पारा पड़ेंगे तो तीन आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो दो बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ से जीरो को उतार लेंगे, फिर तीन का पारा पड़ेंगे, तीन छक्का अठारह, तो देखिए अठारह हो गया, यहाँ पर घटा देंगे तो दो बचेगा, फिर यहाँ से जीरो को उतार लेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, इस जीरो को उतारेंगे तो फिर से बीस आ गया, फिर तीन छक्का अठारह, फिर से ये हमारा दो बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये दो शेष हो गया, ये कट जाएगा। तो देखिए 166 ऐसी संख्याएं हैं जो कि तीन से हमारी विभाजित होती हैं। तो एक तो संख्या हम लोगों ने तीन से निकाल लिया, फिर यही काम हम लोग करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, फिर 13 से हम लोग निकालेंगे। तो 13 से निकालेंगे कि 500 तक संख्याओं में 13 से कितनी संख्या विभाजित होती हैं, तो इसको भी निकालिए। तो देखिए 13 का अगर पारा पढ़ेंगे तो 13 × 39, पहले तीन बार पढ़ना पड़ेगा, चार बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 × 54 हो जाएगा, तो हम लोग तीन बार पढ़ेंगे, तो 13 × 39 हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से 80 लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इस 0 को हम लोग उतार लेंगे तो देखिए 110 आ गया। अब उसके बाद देखिए 13 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि इतना हो या तो इससे कम हो, तो 13 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 13 × 8 = 104, 13 × 9 = 117, तो 13 × 8 = 104, 8 बार अगर हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 13 × 8 = 104, फिर इसको माइनस कर लीजिए तो देखिए 110 में से अगर 104 को माइनस करेंगे तो ऐसे ही समझ लीजिए कि 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हासिल ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये आप समझ लीजिए, ठीक। तो हमारा जो 38 आया है ये 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं 38 आ गई 500 तक की, ठीक है। तो 38 हो गई। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसमें बोलता है, यही मेन क्वेश्चन होता है, या बोला है 3 या 13 दोनों में से किसी एक से विभक्त हो सके। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 13 और 3 का अगर हम लोग इसका एलसीएम निकाल लें और वो संख्या हमें लेना नहीं है, जैसे कि हमारा 3 और 13 दोनों से कटने वाली संख्या क्या क्या होती है, देखिए 3 से अगर हम लोग 39 की बात करें तो देखिए 39 ऐसा नंबर है जो कि 3 से भी कट जाता है और 13 से भी कट जाता है, तो ऐसी संख्या हमें नहीं लेना है, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3 इसको लिख लीजिए और 13, तो देखिए हम बताया था कि अगर अभाज्य संख्या हो तो उसका एलसीएम जो आता है इसका मल्टीपल आता है, यानी कि इसका गुणा ही हमारा एलसीएम हो जाता है, तो 3 × 13 हमारा आंसर हो जाएगा, 13 × 39, तो ये 39 हमारा ये एलसीएम हो जाएगा। इसको निकाल के भी देख लीजिए, अगर 3 से काटेंगे एक बार में कट जाएगा, इस 13 को उतार लेंगे क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, फिर 13 से ही काटना पड़ेगा, तो ये कट गया है और ये 13 से काटेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए 3 × 13 करेंगे तो हमारा 39, तो एलसीएम जो हमारा आ गया 39। अब हम लोग क्या करेंगे कि 500 तक जो संख्याएं हैं उसमें से हम लोग 39 से भाग कर लें और ये पता कर लें कि 39 से कितनी विभाजित संख्याएं हैं, तो इसको हम लोग यही निकालेंगे। तो देखिए 500 लिख लीजिए और 39 से भाग दीजिए, ठीक है। अब 39 का तो टेबल आता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर 39 को अगर एक बार पारा पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, अगर दो बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 39 × 39, फिर इसको माइनस कर लीजिए, तो देखिए 50 में से 39 को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। देखिए 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, इसको उतार लेंगे तो देखिए 110 आ गया। अब क्या करेंगे, 39 का टेबल इतना पढ़िए कि इतना आया तो उससे कम आया, तो देखिए 39 का अगर हम लोग दो बार पारा पढ़ लेते हैं, यहाँ गुणा करके देख लीजिए, अगर 39 का दो बार पारा पढ़ेंगे तो 9 × 18 = 8 हासिल आया, 1 × 2 = 6 × 1 × 2 = 6 = 7 78 आया। अगर तीन बार पढ़ेंगे तो देखिए ज़्यादा हो जाएगा, देखिए तीन बार पढ़िए, 9 × 3 = 27 हासिल आया, 2 × 3 = 9 = 11, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है सॉरी, तो देखिए 117 ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग दो बार पारा पढ़ेंगे, तो यहाँ दो बार पारा पढ़ लिए तो कितना आया था, 78 आया था, ठीक है। देख लीजिए 9 × 18 = 8 हासिल आया, 2 × 3 = 6 = 7 78 आ गया, इसको माइनस करिए तो देखिए यहाँ हासिल देंगे तो यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे बचा 0, तो 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ये हमारा शेष हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो 12 संख्याएं हमारी आई हैं ये 39 से विभाजित संख्याएं आई हैं 500 तक की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 से विभाजित होने का संख्या कितना है, 166, तो इसको लिख लीजिए 166, फिर 13 से विभाजित होने का संख्या कितना है, 38, इन दोनों को जोड़ दीजिए सॉरी खांसी आ रही है, तो इसको फिर जोड़ दीजिए तो देखिए कितना आएगा 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, हासिल 1 × 36 = 9 × 10 को 0 हो जाएगा, फिर हासिल 2 = 204 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी 39 से जो संख्या 12 विभाजित आई है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो देखिए 200
चार में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे 12 को, ठीक है। तो देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो 14 में से सॉरी चार में से दो को माइनस करेंगे तो दो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस करना है तो देखिए अगर यहाँ 20 में से अगर एक को माइनस करेंगे तो 19 आएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 192 आएगा, ठीक है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां है। दिया है कि 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या है। इसमें से आपको चार ऑप्शन दिया है, उसमें से ये बताना है कि 13 और 17 से पूरी विभाजित होने वाली संख्या बताना है आपको। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बोल देता है कि 13 या 17 या 3 या 13 ऐसे आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, उससे आपको ये आसान हो जाता है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 13 से चेक करना पड़ेगा फिर 17 से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या इससे विभाजित हो रही। तो हम लोग पहले इसको एलसीएम निकाल के समझ लेते हैं। तो देखिए 13 और 17 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए ये दोनों संख्या देखिए अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो जो एलसीएम हमारा आएगा वो क्या आएगा कि इन दोनों संख्या का गुणा आएगा, यानी कि 13 × 17 ये हमारा एलसीएम आएगा। इसको करके भी देख लीजिए, अगर 13 से अगर करेंगे तो 13 × 13 कट जाएगा, 17 को उतारेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या ये अपने ही नंबर से कटता है, तो फिर 17 से इसको काटेंगे तो एक बार में ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा एलसीएम आएगा 13 × 17 आएगा, तो इसका एलसीएम जो आएगा इसको गुणा कर लीजिए, 13 × 17 = 51 को 1 हासिल आया 5, 17 × 17 और 17 × 5 = 22, यानी कि 221 आ गया। देखिए 221 हमारा एलसीएम आ गया। तो हमें ये चेक करना है इन दोनों नंबर से अगर हम लोग डायरेक्ट चेक कर लें कि कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। तो देखिए अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखिए तो 221 है, अगर ये 221 को अगर हम लोग 4 बार गुणा कर देते हैं तो देखिए 4 बार में विभाजित हो जाएगा। देखिए 4 × 4 4 × 8 और 4 × 8, ये देखने से ही पता चल जा रहा है कि 221 ये कौन से संख्या विभाजित कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं जो कि आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए क्या करेंगे कि एक बार 13 से इसको काट के चेक कर लीजिए। तो देखिए 8 और 4 को 13 से काट के चेक कर लीजिए, तो 13 × 13 से इसको काटेंगे तो 13 × 78 हो गया, बचा 10, तो 10 बचा तो 104 हो गया, 10 बचा तो 104 हो गया, तो 13 × 8 = 104, तो 8 बार में ये कट गया पूरा, ठीक है। तो ये 13 से विभाजित हो जा रही है। और उसके बाद हम लोग 17 से भी चेक कर लें कि 17 से क्या हो रही कि नहीं, तो 8 और 4 को 17 से भी विभाजित करके देख लीजिए। तो 17 से अगर करेंगे तो 17 × 5 = 85, 17 × 17 17 × 5 = 85, ठीक है। 85 बचा कितना, 3 बचा, और 17 × 34, तो ये 52 बार में कट गया। तो देख पा रहे होंगे आपकी 13 से भी ये संख्या विभाजित हो जा रही है और 17 से भी हो जा रही है। तो हम लोग इसमें ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर लेते हैं आसान करने के लिए, हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये संख्या किससे, अगर ये संख्या जो एलसीएम आ रही है अगर इससे अगर काट देंगे जिस संख्या को विभाजित हो जाएगी तो ये दोनों संख्या से विभाजित हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो आ जाएगा दूसरा आंसर आपका सही है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग इसके बाद 18वें क्वेश्चन को देखते हैं, आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा, देखिए दिया है तो यही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 18वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दिया है, इसको पढ़िए आप, दिया कि समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं बताइए। इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो देखिए इसमें हम आपको अगर पहला ऑप्शन को अगर चेक करें तो देखिए पहला ऑप्शन में आपको दिया है 1, 2 और 3 दिया है, ये ऑप्शन दिया है। देखिए इसको हम लोग पहले योगफल निकाल लेते हैं, ठीक है, योगफल निकाल लेते हैं, ठीक। इसमें योगफल निकालेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 + 3, तो कितना आएगा, देखिए 6 आ जा रहा है, ठीक है। इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। उसके बाद देखिए सॉरी, तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, गुणनफल कर लीजिए, गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो देखिए गुणनफल करेंगे तो इन्हीं तीनों संख्या का गुणनफल करेंगे, तो 1 × 2 × 3 करिए, तो देखिए इसको गुणा करिए तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इससे भी 6 आ रहा है, उससे भी 6 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए इसमें बोला है कि समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार संख्या बताइए। तो आपको ये करना है कि अगर योगफल करने पे देखिए 6 आ रहा है और गुणनफल भी करने पे 6 आ रहा है, तो यही संख्या है जो आपसे आंसर में पूछ रहा है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, क्योंकि देखिए योगफल और गुणनफल दोनों समान आना चाहिए। तो ऐसी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो
देखिए अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन को अगर देख लेते हैं, ये पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो अगर दूसरे वाले को चेक कर लीजिए तो देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया है 2, 3 और 4 दिया है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में 2, 3, 4 दिया, तो अगर इसको करिए तो योगफल, अगर इसका करते हैं योगफल, तो देखिए योगफल करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 3 + 4 कितना आएगा, देखिए 5, 4, 9 आ गया। फिर इसको अगर गुणनफल करिए, ठीक है, गुणनफल करेंगे तो इन्हीं संख्या का गुणनफल करिए तो 2 × 3 × 4 कितना आ गया, देखिए 12, 12 × 24, तो देखिए कहाँ बराबर हो रहा है, तो ये बराबर नहीं हो रहा है। तो इसने तो बोला है ना कि समान योगफल तथा गुणनफल वाली तीन लगातार प्राकृतिक संख्या बताइए, तो वो जो आपका पहला ही ऑप्शन है 1, 2, 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको योगफल करने पर भी 6 आ रहा है और गुणनफल भी करने पर 6 आ रहा है, तो यही आपसे पूछा है। उसके बाद चलिए 19वां क्वेश्चन को देखते हैं, तो इधर हम लोग 19वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन बहुत आसान दिया है, तो यहीं पे समझ लीजिए। 19वें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, दिया है कि 3 के पावर, देखिए 19वां क्वेश्चन दिया है 3 के पावर 4, ठीक है, ये दिया है, और कूड़े में दिया है 2 के पावर 2, ये दिया है, बोल रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, तो देखिए क्या करेंगे, अगर ये 3 के पावर 4 बार है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, इसको 4 बार ऐसे गुणा कर लेंगे तो हमारा इतना बन जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 2 के पावर 2 बार है, तो इसको 2 है तो ये इसको 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, तो 2 × 2 इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए जो आएगा, उसके इकाई अंक से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग 2-2 अंक को ले लेते हैं, देखिए इसका अंक मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, इसको अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए 3 का 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9, फिर इसका भी कितना आएगा 9, इसको गुणा करते जाइए, फिर 2 × 2 = 4। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लीजिए, फिर इसका गुणा करके इसमें कर लीजिए, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 9×9 = 81 आ गया और गुणा 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस 81 का गुणा इसमें कर लीजिए, तो देखिए 4×1 = 4 आ गया, और 4×8 = 32 हो गया, तो इतना हो जाएगा। तो हमें इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा, देखिए ये आएगा, यानी कि 4 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लिए होते कि 1 का गुणा 4 में तो 4 आ गया होता, तो हम आपको पूरा करके दिखा दिए, तो इसमें जो इकाई अंक हमारा आ रहा है 4 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग ये चैप्टर हम लोग यहीं ख़त्म कर दिए हैं, इसको अब हम लोग आप आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।